नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। नमस्कार दर्शकों, दर्शको एकादशी के दिन अगर आप अपनी बिगड़ी हुई किस्मत को संवारना चाहते हैं और अपनी मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को ध्यान पूर्वक अवश्य सुनिए और एकादशी के दिन जो मैं उपाय बताने वाली हूँ इन उपायों को अपना कर अपनी बिगड़ी हुई किस्मत को संवार सकते हैं और अपनी हर मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। सनातन धर्म में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन उपायों को करने से व्यक्ति अपनी मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण कर लेता है। ऐसे ही कुछ उपाय हैं जो कि एकादशी के दिन किए जाते हैं जिन उपायों को करने से व्यक्ति की बिगड़ी से बिगड़ी किस्मत भी संवर जाती है। दोस्तों, सनातन धर्म के अनुसार एकादशी और पूर्णिमा का काफी ज्यादा महत्व होता है। कहा जाता है कि जो एकादशी का व्रत है वो सभी पापों को नष्ट करके अखंड पुण्य की प्राप्ति करता है। यही नहीं, इस दिन कई तरह के उपाय बताए जाते हैं जिन उपायों को करने से व्यक्ति को अनेक तरह की इच्छाओं की प्राप्ति होती है और कई तरह के जो पाप होते हैं वे दूर होकर और कई तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं और धन से जुड़ी जो समस्याएं होती हैं वे भी समाप्त हो जाती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी का व्रत रखा जाता है। एकादशी पर अगर आप भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो आपको भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है और इस दिन भगवान श्री हरि को समर्पित कई तरह के उपाय किए जाते हैं। एकादशी पर अगर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करके उनको पीले चंदन और केसर में गुलाब जल मिलाकर तिलक किया जाता है तो इस तिलक से स्वयं को भी तिलक लगाया जाता है और उसके बाद किसी कार्य पर निकला जाता है तो ऐसा करने से वो कार्य अवश्य ही पूर्ण हो जाता है। एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए और एकादशी के दिन नारियल को थोड़ा सा काटकर उसमें बूरा और देसी घी मिलाकर भर दें और फिर वापस इस नारियल को बंद करके किसी ऐसे स्थान पर मिट्टी में थोड़ा सा नीचे दबा देना चाहिए जहां आसपास में चींटियों का बिल हो। जैसे जैसे चींटियां उस घी में मिले बूरे और नारियल को खाएंगी आपकी आर्थिक समस्याएं धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। कुछ ही दिनों में सभी तरह की आर्थिक समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। एकादशी के दिन डंठल वाला एक पान का पत्ता लेना है और उस पर आपको रोली अथवा कुमकुम से श्री लिखकर भगवान विष्णु को अर्पित करना है। इसके बाद जो भगवान श्री हरि की पूजा है उसे करना है और पूजा संपन्न होने के बाद आपको इस पत्ते को लाल कपड़े में लपेटकर अपने धर रखने वाले स्थान पर रख देना है। ऐसा करने से जल्दी नौकरी में प्रमोशन होता है और बिजनेस करने वाले व्यक्तियों के लिए नए नए अवसर खुलने लगते हैं। एकादशी पर भगवान कृष्ण को नारियल और बादाम का भोग लगाना चाहिए और पूजा के बाद इस नारियल और बादाम को छोटे बच्चों को खाने के लिए बांट देना चाहिए। इस तरह लगातार 27 एकादशियों तक जो व्यक्ति कर लेता है उसकी हर मनवांछित इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं और इस दिन उनके प्रिय मंत्र यानी कि भगवान श्री हरि के प्रिय मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 21 बार जाप करने से व्यक्ति को अचानक आने वाले कष्ट दूर हो जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में यानी कि कोई दंपत्य व्यक्ति है उनके जीवन में संतान सुख नहीं है तो उसे एकादशी के दिन से ही संतान गोपाल मंत्र ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लो देव की सुत गोविंद वासुदेवाय जगतपते देहि में तनय कृष्ण त्वाहा सरणगत का जाप आरंभ करना चाहिए। इस मंत्र को आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं या फिर अपने जो भगवान श्री हरि की श्रीमद् भागवत गीता है उसमें से भी नोट कर सकते हैं और उसके बाद इस मंत्र का जो व्यक्ति लगातार 108 बार प्रतिदिन जाप करता है तो उसको संतान होने के योग्य बन जाती है। दर्शकों, ये हैं एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण उपाय। उम्मीद करती हूँ ये उपाय बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ आए होंगे। उपाय अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट।